जी अब मैं आपको दिखाऊंगी जी इसको तोड़ के कि कितना ज़बरदस्त है। अभी बहुत ही ज़्यादा हॉट है, देखें आराम से टूट रहा है ये, क्योंकि हमने इसको 24 आवर्स के लिए मसालों में डिप करके रखा था और अंदर तक जूसी है मसालों से। तो इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करें और दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी सा चिकन, ऐसा चिकन जो कि हर कोई घर में बनाना चाहता है और उसकी रेसिपी हर एक को मालूम नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। जी व्यूअर्स, यहाँ पर मेरे पास है जी सॉल्ट, चिकन है मेरे पास आधा किलो 500 ग्राम, और इसके अंदर जी हम पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून पूरा भरकर। जी 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे इसके अंदर जी चाट मसाला। जी आप कोई भी अच्छी सी ब्रांड का चाट मसाला ले सकते हैं और उसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। जी ये 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का, वो मैंने पीसा है इसके अंदर। और यहाँ पर मेरे पास है 2 से 3 अदद छोटे छोटे जो लहसुन है वो है, और दोनों मिला के 1 चम्मच बन गया। और मैंने इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड किया है, वो भी इसको मैंने पीस लिया है तमाम अशिया को, और खुश धनिया ज़ीरा भी 1 1 चम्मच डाला है। तमाम अशिया को मिक्स करके कूटा है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे। जी इसके अंदर जी हम ऐड करेंगे दही जो कि तकरीबन आधा कप के करीब जाएगा इसकी मिक्सिंग के लिए। जी यहाँ पर मेरे पास है जी लेमन, और इसके जो है इनको सीड्स को हम रिमूव कर देंगे और इसके अंदर निचोड़ेंगे। इसका रस हम इसके अंदर स्क्वीज करेंगे अच्छा सा। जी हाफ टी स्पून के बराबर हम इसके अंदर ब्लैक पेपर, काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जी अब हम इसकी करेंगे अच्छे से मिक्सिंग, और मिक्सिंग जो है ना वो हम इसको करके तो तकरीबन हमने इसको रख देना है ओवरनाइट। जितना अच्छा जितना देर तक आप इसको रखेंगे इतना अच्छा इसका टेस्ट बनेगा, और इसको अच्छा सा हम जो है ना कवर कर देंगे मसाले में। और इसके बाद मसाले में कवर करने के बाद जो है नेक्स्ट प्रोसीजर हम क्या करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। इसको हम ओवरनाइट रखेंगे 24 आवर्स के लिए हम इसको रखेंगे। जी 24 आवर्स रखने के बाद जो है ना हमने अपना चिकन निकाल लिया है जी फ्रिज में से, और इसके अंदर जी हम ऐड करने जा रहे हैं जी फूड कलर, और इसको फूड कलर ऐड करके हम जी इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा। फूड कलर थोड़ा और डालेंगे और अच्छा सा जी हमने इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप फूड कलर डाल टेस्ट की खुशी है वो ज़्यादा जाती है। जी 1 टेबल स्पून के करीब हमने जो है इसके अंदर घी ऐड किया है अपना पैन में। जी तो हमने जी ऑयल ले लिया है इसके अंदर हसबे ज़रूरत, और जो अब आप देखेंगे चिकन की लुक चेक करें इसको हमने डाल देना है इस ऑयल के अंदर। ऑयल ले लें या घी ले लें जो भी आप खाते हो इसको हम डाल देंगे। इसके अंदर हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि इसके अंदर हमने लहसुन अदरक और तमाम मसाला जात इसके अंदर पहले से ऐड किए थे, तो ऐड करके हम इसको पकाएंगे। और मैंने दरमियानी आँच रखी है, तेज़ आँच नहीं है, मीडियम लो टू मीडियम।
हमारी चूल्हे की आँच और आपने इसी तरह की फ्लेम जो है रखना है। और बाजार से ज़्यादा अच्छा भी है ना, आपका चिकन रेडी होगा। बाजार में आप देखते हैं हाइजीन का बड़ा मसला होता है, तो आपने जो है ना ये घर पर ही रेडी करनी है। और बताना है, रिकमेंड करके कि आपको ये हमारी ऐसी लगे। आप देख रहे हैं इसको हमने रख दिया है चूल्हे के ऊपर और हम इसको ढाक दें और जी हम इसको 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। जी माशाल्लाह जी, इसकी लुक चेक करें आप, तो इसी तरह से हम इसको पकाते जाएंगे और ये जी तकरीबन 10 से 12 मिनट में जो है रेडी हो जाएगा। तो आजकल जो है इस डिश की जो है ना डिमांड बहुत ज़्यादा है, रेस्टोरेंट में ये बहुत शौक से खाया जाता है और आजकल बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है इस चिकन की। तो आप इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करके इसी तरीके से आप बना सकते हैं घर के ऊपर। जी माशाल्लाह से देखिए आप कलर चेक करें, इसका कलर कितना ज़बरदस्त बन रहा है और ये रेडी हो रहा है। तो जब भी आपका खाने का दिल करे थोड़ा अच्छा, तो इसी रेसिपी को फॉलो करके आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और कमेंट करके बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। जी ये रेडी हो चुका है और इस पेज के ऊपर भी हम चूल्हा अपना बंद कर देंगे। जी माशाल्लाह से आप लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त लग रही है इसकी जी लुक। और आप भी सेम इसी तरीके से बनाएं। बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी है। जी ये देखें जी, आप लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त और डिलीशियस लग रहा है। बाज़ार जैसा चिकन है और वो भी घर में बनाया है हमने घर के मसालों से। तो आप भी सेम इसी तरीके से बनाएं।